जी अस्पताल के डॉक्टर के हवाले से जो खबर आई है वो ये है कि लता मंगेशकर की जो तबीयत है वो पहले से डिटेरियोरेट हुई है, यानी कि उनकी सेहत बिगड़ी है। डॉक्टर प्रतीत समदानी जो है वो लता मंगेशकर के इलाज में जुटे हुए हैं शुरू से, उनके हवाले से अस्पताल से ये खबर आई है कि उनकी हालत बिगड़ी है। अभी हालत किस कदर बिगड़ी है अभी ये नहीं पता चला है, थोड़ी क्रिटिकल हो गई है ऐसी खबर आई है, वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है। बीच में उनकी हालत में काफी सुधार आया था तो एक दो दिन के लिए उनका वेंटिलेटर हटाया भी गया था, उन्हें वेंटिलेटर से हटाया भी गया था। बीच में उनकी तबीयत ठीक भी हो रही थी, लेकिन पिछले 27 दिनों से लता मंगेशकर का इलाज जो है वही अस्पताल में चल रहा है। 8 और 9 तारीख की दरमियानी रात को उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव होने के चलते भर्ती कराया गया था। बाद में डॉक्टर प्रतीत समदानी ने एबीपी न्यूज को बताया था कि उन्हें निमोनिया भी है, यानी कोविड निमोनिया है जिसे कोविड निमोनिया कहा जाता है। तो उनकी उम्र जो है 92 साल है, 92 ईयर्स की है वो, उनकी जो उम्र है 92 साल है। ऐसे में उन्हें रिकवर होने में काफी दिक्कत पेश आ रही है। तो फिलहाल अभी जो खबर आई है कि उनकी तबीयत है थोड़ी बिगड़ गई है, तो ऐसे में एक बार फिर से अटकलों का दौर शुरू हो गया है उनकी तबीयत को लेकर। ब्रीच कैंडी अस्पताल में लगातार 27 दिनों से उनका इलाज चल रहा है। उनके तमाम जो फैंस है, तमाम चाहने वाले जो है वो दुआ कर रहे हैं, वो प्रे कर रहे हैं कि लता मंगेशकर जो है जिन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है दुनिया भर में, वो जल्द से जल्द घर लौटे। लेकिन अब जो ये खबर आई है, जो ताजा खबर ये आई है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है, तो अब ये देखना होगा कि क्या एक बार फिर से उनकी तबीयत संभलती है और डॉक्टर और क्या बयान देते हैं आगे चलकर। फिलहाल इतना ही बताया गया है कि उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है, क्रिटिकल है थोड़ी वो, और वेंटिलेटर में इस वक्त आईसीयू में है वो। शुक्रिया, आमरा कथा बोल्लाम आमादेर प्रतिनिधि रवि जैनेर संगे। एबं आपनारा शुनलेन जे आबारो किन्तु लता मंगेशकर ताके आईसीयू ते निये जावा होयेछे। आमरा जानी जे कयेकदिन आगेई ताके वेंटिलेशन थेके बेर करा सम्भव होयेछिलो, किछुटा होलेओ स्थितिशील होयेछिलेन तिनि, किन्तु आबारो संकटमग्न लता मंगेशकर। आईसीयू ते ताके निये जावा होयेछे एबं आबारो वेंटिलेटरे दिते होयेछे ताके बोले जाना जाच्छे। সত্য অন্তহীন, সত্যের খোঁজও তাই, সত্য সন্ধানে তাই আমরা অক্লান্ত অকুতোভয়। এবিপি আনন্দ নতুন ভাবনার প্রতীক, যা মনে মুক্ত, তথ্যে যুক্ত এবং যাবতীয় সীমানার বাঁধন থেকে মুক্ত। সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি, যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য বেড়াজাল যা আটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে। একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ। সেই জগৎ গড়ার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।